द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी है। प्रेसिडेंट को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति दिल्ली में बने आलीशान राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है। इसके साथ ही भारत के राष्ट्रपति की सैलरी लगभग 5 लाख रुपए प्रति माह होती है, जिस पर उनको किसी भी तरीके का टैक्स चुकाना नहीं होता। इसके अलावा राष्ट्रपति को कई तरीके के भत्ते भी मिलते हैं। दिल्ली में बने राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं, जिसमें लगभग 200 लोग काम करते हैं। इसके साथ ही भारत के राष्ट्रपति को फ्री इलाज और आवास की सुविधाएं भी मिलती हैं। राष्ट्रपति कस्टम बिल्ट कार मर्सिडीज बेंज S600 से चलते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति के साथ एक लेमोजीन कार भी चलती है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के काफिले में 25 गाड़ियां और चलती हैं। भारत के प्रेसिडेंट को रिटायरमेंट के बाद भी कई तरीके की सुविधाएं दी जाती हैं। पेंशन के रूप में राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। साथ ही स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। लाइफ टाइम के लिए एक मुफ्त बंगलो मिलता है, 2 लैंडलाइन और 1 फोन मिलता है। सफर करने के लिए प्रेसिडेंट को ट्रेन या प्लेन का नो कॉस्ट ट्रेवल मिलता है, जिसमें साथ में कोई भी एक जानने वाला चल सकता है। लाइफ टाइम चलने के लिए फ्री कार भी मुहैया कराई जाती है। दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी और 2 सेक्रेटरी जैसी सुविधाएं भी भारत के प्रेसिडेंट को दी जाती हैं। फिलहाल मुर्मू के प्रेसिडेंट बनते ही बधाई मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। पीएम मोदी खुद मुर्मू से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे और उन्हें बधाई दी। बता दें कि मुर्मू देश की आदिवासी समुदाय की पहली प्रेसिडेंट है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को मिली भारी जीत के बाद उनके गांव रायरंगपुर में जश्न का माहौल है। रायरंगपुर में बच्चे से बड़े तक जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं और डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत की राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा है कि श्रीमती मुर्मू भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के संवैधानिक दायित्व का पूरा जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगी। तो वहीं कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वह उनसे जल्द मुलाकात करेंगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को भारी वोटों से जीत मिली है। बताया जा रहा है कि लगभग 60% के आसपास मुर्मू के पाले में वोट गिरा है। गृह मंत्री अमित शाह ने द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचकर उन्हें देश का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें देश की 15वीं राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। ये देश के लिए एक बड़ा संदेश है कि एक आम महिला भारत की राष्ट्रपति बन सकती है, यानी कि चाह लिया जाए तो कोई भी राह मुश्किल नहीं। आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, आप हमें बताइएगा आप इस खबर को लेके क्या सोचते हैं। आपके खबर का इंतजार रहेगा ब्यूरो रिपोर्ट सोशल। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।